सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? से उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गया हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाली वीडियो में बताऊंगा, मतलब कि सिखाऊंगा कि आप बीट सीन सॉन्ग पे कैसे स्टेटस बना सकते हो। और आजकल जो सॉन्ग है वो तो आपको पता चल ही गया होगा टाइटल एंड थंबनेल में। सो सीधे से हम बात करते आगे। सो मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ सबसे पहले। सो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हो अभी तक, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्री व्यू अच्छा लगे फिर वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। सो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए और नीचे कमेंट करने का मानो सो जरूर से भाई कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। सो प्रीव्यू कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so long. Only if you're leaving, baby, let me down slowly. But the hearts are not gonna let the leg in my atomic glass. कोल प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे। और ऐसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना, आपको जो है एक ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम है अलाइट मोशन। और ऑब्वियसली हम सारे जो ट्यूटोरियल्स ज़्यादा होते हैं वो हम अलाइट मोशन से करते हैं, ठीक है। सो अलाइट मोशन को डाउनलोड कर ले और वो डाउनलोड कर जिसमें आपको XML फाइल जो है इंपोर्ट हो सके, ठीक है। सो अभी दोनों मैं लिंक दे देता हूँ, प्रीसेट का भी दे देता हूँ और XML का भी दे सकता हूँ और दे देता हूँ। तो आप दोनों से कोई से भी इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो देन आपको क्या करना, दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना और बाकी की लिंक का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इजीली से आप मेरे को कमेंट करके, मतलब कि मैसेज करके बोल सकते हो, तो मैं आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। सो बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे वीडियो स्टार्ट करते हो। सो सबसे पहले आपको जो अलाइट मोशन को ओपन करना है और मेक श्योर आपको जो है अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो आगे बताते हो क्या जी यार, यहाँ से जो मैंने अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद आपको क्या करना गाइस, आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, उसके राइट साइड में आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना और पहले आपको जो बीट मार्क प्रोजेक्ट इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट से ही काम करना हमें, ठीक है। तो बीट मार्क में प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से, बीट मार्क प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये मैं सॉन्ग ऐड किया हूँ, अभी ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, मैं डिलीट करके दूंगा, ठीक है, डिलीट करके दूंगा। या फिर यहाँ सेटिंग में जाके और यहाँ पे जो FPS लिख रहा है, मतलब फ्रेम रेट है ना, उसको मैं बिल्कुल 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जो हाई कर ले, ठीक है। तो देख सकते हो फिर भी इसमें जो है 1.3 का ऐसे कुछ आ गया प्रोजेक्ट। और यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट में अगर इंपोर्ट करते हैं तो देखते हैं कितने आएगा, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन 1.3 को 2 कुछ कर रहा है इतना कुछ, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा करूँगा तो वो हो जाएगा आपका जो है प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा XML, मतलब कि प्रीसेटिंग में और XML में इंपोर्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, ये वाला जो है म्यूज़िक डिलीट कर दूंगा। देन आपको क्या करूँगा, यहाँ से आपको FPS हाई है और अगर इंपोर्ट करूँगा, मतलब कि एक्सपोर्ट करूँगा प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे जो है कम MB में होगा और इजीली से आप प्रीसेट को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग नहीं दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको मैं प्रोजेक्ट में जो है ऑडियो नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है लिरिक्स को लिखना है। सो उसके लिए क्या करना आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से जो आपको लिरिक्स को लिखना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लिरिक्स लिखना है और लिरिक्स कौन से सेकंड तक लिखना, आपको जो इस वाले सेकंड तक आपको लिरिक्स को लिखना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ लिरिक्स कैसे लिखना। सो आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना था ना, आपको चले जाना अपने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ फिर टेक्स्ट का इफेक्ट देगा कुछ इस टाइप से। तो आपने लेयर पे टैप करना और यहाँ से दो डब्बे दिख रहेगा, सो उस पर आपने टैप करके सिंपल से कॉपी लेयर कर लेना। देन आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको दो डब्बे दिख रहे हैं, सो उस पर टैप करना और पेस्ट लेयर पे टैप कर देना। सो यहाँ से पेस्ट हो गया और ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो लेयर जो है छोटा पड़ रहा है, सो उसके लिए क्या करना, आपने इस पर आपने टैप करना लेयर पे, देन स्पीड वाले आइकन पे जाना और इस वाले ये जो
ऑप्शन गाइस दिख रहा है नीचे स्पीड का टाइप ये वाला, सो इसको आपने कम ज़्यादा करना है, ठीक है। सो यहाँ से कम करते मतलब कि ज़्यादा करते तो ये बहुत आगे चल गया लेयर, और इसको अगले वाले बीट मार्क पे आके और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इजीली से कट कर लोगे, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से कट हो गया। कट कर लेने के बाद अब आपको लाइरिक्स को लिखना है। सो आपको क्या करना है, ये जो सॉन्ग है ना गाइस, यहाँ पे मेरा जो प्रीव्यू है वो डाउनलोड कर ले, ठीक है। वो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से इजीली से आप डाउनलोड कर लोगे। तो कर लेने के बाद आपको क्या करना, देख के एक टाइप से आपको लाइरिक्स को नोट कर लेना, या फिर आप देख देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको टैप करना, और अगर आपका अदर कोई सॉन्ग है तो इजीली से आप फाइंड कर सकते हो लाइरिक्स, और अगर सुन के भी तो आप लिख ही सकते हो गाइस। तो लिख ले, तेन आपको क्या करना लाइरिक्स को चेंज करना। सो आपको क्या करना, लेयर पे टैप करना, एडिटेक्स पे जाना, और यहाँ से आपको क्या करना, इस टाइप से इरेज कर लेना, ठीक है। इरेज करने के बाद आपको जो अपने सॉन्ग के लाइन को लिखना है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने लिखा, कुड यू फाइंड, तो यहाँ पे आपको नीचे आपको दे देना, ठीक है, स्पेस दे लेना, देन ए वे टू कुछ इस टाइप से इतना ही बोलता, ठीक है। तो यहाँ से म्यूजिक को सुनोगे कुछ इस टाइप से, यानी यहाँ पे आपको देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली से लिख लिया पहला लाइरिक्स, देन आपको क्या करना, आपने इस पे टैप करना, इसका कॉपी लेयर कर ले, ठीक है। देन आपको बार बार रवि ऐसी टैच रवि ऐसी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया, देन कट करना, तो आपको क्या करना, इस पे टैप करना लेयर पे, देन स्पीड वाले ऑप्शन में जाना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इजीली से कट कर लेना। तो देख सकते इजीली से कट हो गया। देन आपको लाइरिक्स को चेंज करना, सो आपको क्या करना, आपने इस पे टैप करना, देन एडिटेक्स में जाना, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको भी इरेज कर लेना। सो इरेज करने के बाद आपको एक एक टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। तो कुड लेट मी डाउन, और यहाँ से आपको नीचे स्पेस डाल के भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं स्पेस डाल के लिख लेता हूँ, नहीं स्पेस के बगैर ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया, और स्पेस डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से लिख लिया, स्पेस डाल देता हूँ क्योंकि ये जो साथ में चिप वगैरह, ठीक है। तो देख सकते हो, तो यहाँ से इतना लिख लिया, देन आपको फिर से पेस्ट लेयर करना, और जितने सारे भी यहाँ गाइस लिख रहे हैं टेक्स्ट वो लिख लें। देन आगे मैं आपको फोटो सबको इंपोर्ट करना, तो आगे का प्रोसेस मैं बाद में बताता हूँ, यहाँ पे पहले मैं लाइरिक्स लिख के आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मैंने जो है सारे टेक्स्ट को लिख लिया, देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने टेक्स्ट को लिख लिया, ठीक है। सो लिख लेने के बाद आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पहले जो है यहाँ से जो फोटोज वगैरह को इंपोर्ट करते, देन आपको लाइरिक्स मतलब कि जो ओवरले वीडियो वो मैं बाद में लगा इसका, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, इस वाले ड्यूरेशन में आ जाना, और देन आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो उस पर टैप करना, देन इमेज वीडियो में जाए, और यहाँ से ये सारे इमेज है ना गाइज, ये सारे आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ हूँ, तो इजिली से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करें, देन थ्री डॉट दिखेगा डिलीट के राइट साइड में, तो फिर से क्लिक कर देना, एरो पे टैप कर, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके कट लगाए, देन फिर से प्लस पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो, और आगे जितने सारे भी बीट मार्क है ना गाइज, उन सब पे आपको इमेजेस को लगा इंपोर्ट करना, ठीक है। सो इंपोर्ट कैसे करना, आप ये देखें, तो आपको प्लस पे टाइप करना, इमेज एंड वीडियो में जाना, और यहाँ से कोई सा भी इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना, देन थ्री डॉट पे टाइप करके फिर से क्लिक करना, और यहाँ पे आपको क्या करना था, सॉरी मैं भूल गया, तो यहाँ से ये वाला इमेज डिलीट करता हूँ, और ये वाला इमेज है ना गाइज, आपको जो है इस वाले ड्यूरेशन तक लाना, ठीक है। मतलब कि आपको पहला जो है फोटो है वो आपने इस ड्यूरेशन पे लाना, मतलब कि फर्स्ट वाले बीट मार्क से लेकर सेकंड वाले बीट मार्क तक लगना, और जो सेकंड वाला सेकंड से जो फोटो स्टार्ट करोगे ना गाइज, वहाँ पे आपको एक बीट में फोटोज को छोड़ देना, मतलब कि एक बीट में एक बीट आपको एक्स्ट्रा रखना, ठीक है, फोटोज में, ठीक है। देन आपको क्या करना, प्लस पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो, और यहाँ पे आपको कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन थ्री डॉट पे टैप करके फिर से देन एरो पे टैप करना, और एक बीट को मार्क को छोड़ दिया, देन अगले वाले बीट मार्क पे जाके इजीली से कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करना, इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से अगले वाले इमेज को सेलेक्ट कर दें, देन थ्री डॉट पे टैप करके फिर से देन एट बीट मार्क को छोड़ दें, देन अगले बीट मार्क पे जाए, और स्टेप्स वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं, ठीक है। और होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाल रहा हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से फोटो सबको लाया, और देख सकते हो ये जो बीट मार्क से पीछे तक है, तो उसके लिए आपको अगर इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो ईजिली से आ जाएगा, देन फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो, और यहाँ पे आपको क्या करना, इमेज को सेलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप कर फिर से देन एक बीट मार्क को छोड़ के इस वाले टैप से कट कर लें, ठीक है। तो आगे जितने सारे बीट मार्क है ना दो तीन, वो उस पर मैं इमेज लगा के आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने सारे बीट मार्क पे फोटो सबको इंपोर्ट कर लिया, और देख सकते कुछ इस टाइप से, और फोटो इंपोर्ट करने के बाद इस पर इफेक्ट लगाना है। सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना है, देन आपको चले जाना है इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, और यहाँ से आपको क्या करना है, ये इमेज मिलेगा, सो इमेज पे आपने टैप करना और फर्स्ट वाले इफेक्ट को कॉपी करना, सो इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, थ्री डॉट पे जाके इजीली से कॉपी करें, देन आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म है होता ना गाइस, वहाँ पे चले जाना, तो ये वाला आ गया, देन यहाँ पे आपको एक ही जो एक बीट मार्क पे दो बीट मार्क के बीच में फोटो है ना, उस पर आपने टैप करना, मतलब कि फर्स्ट वाले फोटो पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, और इस टाइप से इसको लगा लेना, ठीक है। सो फर्स्ट को लगा लेना, देन आपको क्या करना, आपको चले जाना इस वाले ड्यूरेशन पे, ठीक है। सो आपको जो आगे सबको फोटोज है ना उस पर भी इफेक्ट लगाना, उससे पहले क्या करना, आपको इस वाले ड्यूरेशन पे आ जाना, देन आपको इमेज पे टैप करना, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, एड इफेक्ट पे टैप करना, और यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट के ऑप्शन में जाना, और यहाँ पे आपको जो फ्लैश इफेक्ट लगाना सिखा रहा हूँ गाइस, तो वो आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्सर्ट से भी देख लगा सकते हो, और पहले काफी वीडियो मैंने बताया हो, तो वो थोड़ा सा पुराना ट्रिक
हो गया। तो आज मैं क्या कहता हूँ, गामाइन एक्सपोजर से लगा के बताता हूँ, ठीक है। सो गामाइन एक्सपोजर पे टैप किया और स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप किया और देन आपको क्या करना, बीच वाला बीट मार्कर ना, मतलब कि बीच वाला मार्कर को जो खाली छोड़ा था आपने उस वाले मार्कर पे आना, देन प्लस पे टैप करना और एक की लगा लेना एक्सपोजर पे टैप करके, ठीक है। तो एक की लगाए, देन आपको जो एक लेफ्ट में लगाना उसके और एक राइट में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दूर कर लेना, ज़्यादा नहीं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा रखें। और देन जो सेंटर वाला बीट मार्कर ना, मतलब कि सेंटर वाला जो की है उसको आपने इस स्टेप से बढ़ा लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ इतना रख ले, ठीक है, 1.80 रख ले। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टेप से जो हो गया फ्लैश इफेक्ट, देख सकते हो और काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ स्टेप से आपको सभी पे लगाना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करें, इस पर टैप करें, देन इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पर जाकर कॉपी कर ले और देन यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। सो पेस्ट कर लिया और इसको आपने ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ओपन करते हैं। और यहाँ पर जो राइट साइड वाला उसको स्टेप से, और जो सेंटर वाला है ना वो बिल्कुल आप उसको क्या करना, जो यहाँ पर ये वाला वो बीट मार्क है उसके अपने सेंटर में रखना, ठीक है। देन लेफ्ट वाला थोड़ा सा जहाँ मर्जी लेफ्ट वाला रख सकते हो, लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी रखो। देन आपको क्या करना, बस जो ये सेंटर वाला है ना, मतलब कि बीट में जहाँ पे बीट मार्क जो मार्कर लगा उसका वो वाला आपने जो उसको सेंटर में ही रखना है, बाकी जो थोड़ा सा आगे पीछे रखोगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैं कितना ईजिली कर रहा हूँ, आपको भी इस स्टेप से आपको कर लेना, देख सकते हो, और काफ़ी औसम तरीके से ये जो है इफेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इस स्टेप से आपको जो सभी इमेज पर लगा लेना, देन आपको क्या करना, आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ आपको सेकंड वाला इमेज मिलेगा। सो इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी करें और देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ पे आपको जाके क्या करना, फोटो शॉप पे आ जाना और फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना, मतलब कि जो फर्स्ट वाला फोटो उस पर आपने छोड़ के उसको छोड़ के बाकी सभी जो फोटो है ना उन सब पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना। और होप आपको समझ आ गया होगा। सो इफेक्ट पेस्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे इमेज जी वाला वीडियो थे, ठीक है। सो वो वाला अगर आपको वीडियो बनाना सीखना तो आपको स्पेशली कमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो कमेंट क्रिएट करके रखा हुआ, अगर आपको बनाना सीखना तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या ना ओवरले वीडियो से इजीली से इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना, प्लस वाले ऑप्शन पे टाइप करना और यहाँ होप आपने जो है यहाँ ये वाला जो वीडियो डाउनलोड करके रखा होगा। सो वीडियो डाउनलोड कर लिया, देख सकते हो कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा और यहाँ पे लाइट मोशन मेरा थोड़ा सा हैंग मार लेगा क्या करना, अब आपको इस पे ओवरले पे टाइप करना, ब्लेंडिंग ऑन ऑपोजिट के ऑप्शन में जाना और लाइट पे जाकर यहाँ से स्क्रीन कर लेना और अपने हिसाब से आपको इसको मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे इसको ऑपोसिटी को आपको थोड़ा कम कर लेना, तो मतलब कि 70 तक रख लेना। देन यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे जहाँ तक आपका लाइरिक्स है ना वहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस वाले ट्रीशन तक हमारा लाइरिक्स है, तो यहाँ पे आ गया। देन आपको क्या करना, ओवरले वीडियो पे टाइप करना, चलो ऑप्शन पे टाइप करके कार्ड लगाना है। सो इजिली से आ गया। देन आपको क्या करना, इस टाइप से इसको जो नीचे कर लेना, अगर नीचे नहीं करना तो वो भी आपका बेस्ट है, लेकिन कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लगेगा, तो देख सकते हो गया। देन आपको क्या करना है, सेटिंग के राइट साइड में आइकन अगर एक्सपोर्ट करना है तो सेटिंग के राइट साइड में आइकन पे टैप करें, देन वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करें तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा और वीडियो का आगे एरर है। और यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो अगर एक्सपोर्ट नहीं होता फिर। सो गाइस यार कुछ ऐसे वीडियो को एक्सपोर्ट कर ले और बना ले, और कैसी रहेगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए। और मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।